हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मटर पनीर की बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगती है। तो चलिए अब हम अपना मटर पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें मटर, पनीर। पनीर के मैंने छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं। तेज़ पत्ते को मैंने छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लिए हैं। करी पत्ता अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना अवॉइड कीजिए। टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हींग, थोड़ा सा जीरा तड़का लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम मटर को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। इसे अच्छे से साफ़ करके इसे पहले वॉश कर लीजिए। सारी चीज़ों की क्वांटिटी, मसालों की, मटर की, सब चीज़ों की क्वांटिटी आपको अपनी फैमिली मेम्बर के हिसाब से रखनी है, इसलिए मैं आपको क्वांटिटी नहीं बताती हूँ। सबसे पहले हमने मटर को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे उबलने के लिए रख दिया है। जब तक हमारी मटर तैयार होती है उबल के, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने मोटे मोटे पीस में टमाटर को और हरी मिर्च को कट कर लिया है। अब इसके बाद हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें थोड़ी सी चिकनाई चढ़ाएंगे, सरसों का तेल, रिफाइंड या जो भी आपको पसंद हो। वैसे सरसों के तेल में सब्जी का फ्लेवर सबसे अच्छा आता है। तो ये देखिए, हमारा तेल बिल्कुल पक के अच्छा सफ़ेद हो चुका है। तो इसमें अब हम टमाटर को हल्के से फ्राई कर लेंगे। इसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए, जिससे कि टमाटर ये थोड़े से गल जाएं। मसाला चाहें तो हम सिंपल ऐसे भी पीस सकते हैं, लेकिन वो मसाला हमारी सब्जी के साथ अच्छे से ग्रेवी अच्छे से नहीं बनती है गाढ़ी। तो ऐसे जब आप ग्रेवी बनाएंगे तो उसका अलग ही फ्लेवर आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब ये टमाटर मैंने एक बर्तन में निकाल लिया और इसे अब मैं हैंड ग्राइंडर से पीस लूँगी, मसाला तैयार कर लूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया है। देखिए बिल्कुल बारीक है, इसमें कोई टमाटर का टुकड़ा या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बारीक पेस्ट हो गया तैयार। अब ये देखिए, हम मटर चेक कर लेते हैं अपनी। हमारी मटर का भी कलर चेंज हो गया है। तो अब इसे हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। ये देखिए, मटर हमारी गल गई है अच्छे से। तो चलिए अब हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ा लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है। अब जब तक हमारा तेल पकेगा, तब तक हम मसाले निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे मसाले निकाल लिए हैं। मसाले मैंने अपनी सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से निकाले हैं, आप अपनी सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से ही यूज कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं, हमारे तेल का कलर चेंज हो गया है। अब हमने इसमें जीरा, करी पत्ता, तेज पत्ता और मसाले डाल दिए हैं। साबुत लौंग, दालचीनी, वो चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इसके बाद मैं इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर दूँगी। ये देखिए, अब इसमें हम अपने मसाले ऐड कर देते हैं। हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हींग और गरम मसाला। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब तक हमारे टमाटर चिकनाई नहीं छोड़ देंगे, तब तक हम मसाले को बराबर चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, हमारे मसाले का कलर बहुत ही अच्छा आया है और इसने अपनी चिकनाई भी, देखिए चिकनाई भी छोड़ हल्की हल्की छोड़ रहा है हमारा मसाला। तो जब ये पूरी चिकनाई छोड़ देगा, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो चलिए, अब ये चिकनाई इसने छोड़ दी है, तो इसमें हम सबसे पहले मटर ऐड करेंगे। अभी हमने मटर ऐड कर दिया, मटर को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जब ये मटर अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसमें अपने सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। अगर आपको मटर पनीर थोड़ा रेशे वाला पसंद है तो थोड़ा पानी ऐड ज़्यादा कीजिए, और अगर थोड़ा गाढ़ा पसंद है तो पानी कम ऐड कीजिए। पानी ऐड करने के बाद इसे पकने के लिए थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे।
अब ये थोड़ा सा पक गई है तो इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी का हर सब्ज़ी में अपना अलग ही फ्लेवर आता है, तो अगर आपके पास कसूरी मेथी, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। जब ये हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी तो पनीर इसमें सबसे लास्ट में ऐड करना है। तो चलिए, हमारी सब्ज़ी अब तैयार होने वाली, तो हमने इसमें पनीर ऐड कर दिया है। पनीर सबसे लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि पनीर थोड़ा सॉफ्ट होता है तो वो घुल जाता है, इसलिए पनीर सबसे लास्ट में डालिएगा तो पनीर का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए, अब हमारा मटर पनीर तैयार है। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नई रेसिपी के साथ।